भानुभक्त जी का कोई भेदभाव करने का बात नहीं था, जो हम लोग हर तरह कहते हैं भेदभाव छोड़ो, भेदभाव छोड़ो, तपाई हारू उन्नति चाहे के लिए भानुभक्त जी को प्रणाम करें। हम चाहे बोलते हैं, उसके बाद तुरंत तुरंत गलती होता है तो आप क्षमा कर देंगे, लेकिन नहीं सीखने से नहीं सीखेंगे कभी। मैं बोलता है हम जब इधर में आएगा तुम हमारे साथ गरखा से बात करो, तब हम सीख जाएंगे कि आप लोगों को सुनने से खुश हो जाएंगे कि हमारा एक नेफ्यू का साथ एक कर्शियांग को बेटी को शादी हो रहा है। तो वो जब हमारा घर में चला जाएगा मैं उससे गोरखा सीख लेंगे। वो भी डॉक्टर है, हमारा नेफ्यू भी डॉक्टर है, दोनों ही अच्छा से कामयाबी होगा। ऐसे पहाड़ से हमारा रिश्ता जोड़ गया, हमारा पश्चिम बंगाल सरकार परिवार को से, हमारा फैमिली परिवार को से, फैमिली से, इसमें मैंने बहुत खुश हुआ। तो भानुभक्त जी को जो कहना था, जो इकबाल ने किया, जो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, और द्विजेंद्रनाथ राय ने कहा कि धनो धान्य पुष्पे भरा, और लता जी ने गाया जब घायल हुए हिमालय खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। हर तरह गोरखा रेजिमेंट हर रेजिमेंट का साथ फाइट करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिद्दा पहाड़ में रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी हम लोग दार्जिलिंग पहाड़ में सेलिब्रेट करते हैं, एक दफे कलकत्ता में करते हैं। इसी के लिए करते हैं कि गिद्दा पहाड़ का इतिहास भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देशबंधु चित्तरंजन दास जो देश के लिए पूरा त्याग किया है, उन्होंने भी दार्जिलिंग में ही उनका सब था। ऐसा सिस्टर निवेदिता, आपको पता है उसको देहांत भी ये दार्जिलिंग में ही हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर दार्जिलिंग को बहुत प्यार मोहब्बत देते, तो इसी के लिए कोई भेदभाव करने के लिए कोई बड़ा आदमी को जन्म नहीं होता। जो आदमी महान होता है, दिल से बड़ा होता है, मानविक होता है, वो आदमी कभी भेदभाव नहीं करता है, वो सबको लेके एक साथ में रहता है। इसी के लिए भानुभक्त जी भी, इसी के लिए भानुभक्त जी है।